दोस्तों पॉलिटी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, और अपॉइंटमेंट जो दोस्तों आपके वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी परीक्षा में पूछ लेता है। चलिए शुरुआत करते हैं बांके बिहारी लाल महादेव का नाम लेते हुए गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर पूछूं आपसे। पहला ही सवाल जहर सवाल लिखिएगा, अगर पूछूं ये यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है, गुजरात दोस्तों यहां पर स्थित है आपके, गुजरात वडोदरा जो है यहां पर स्थित है। अगर पूछे आपसे पहले चांसलर कौन है, अश्विनी वैष्णव छापरा आपके, अश्विनी जो वैष्णव है वो पहले चांसलर है जो वर्तमान भारत के रेल मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर हो गया। आगे देखिएगा बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, अरे अभी चल रहा है रसगुल्ला क्या, अभी चल रहा है आईपीएल, तो ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई पूछूं आपसे रोजर बिन्नी कौन है, रोजर बिन्नी छापरा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। अगर पूछूं आपसे भारतीय ओलंपिक जो संघ है, भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स छापिएगा पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन है बताना है आपको, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आगे देखिएगा G20 के नए शेरपा कौन है, क्योंकि आप जानते हो 23वीं बैठक कहां पर होने वाली है, भारत में होने वाली रसगुल्ला, उस शेरपा कौन छापना आपके, अमिताभ कांत कौन है, अमिताभ जो कांत है वो शेरपा आपको जाना, अमिताभ कांत वर्तमान शेरपा है G20 के, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा मैंने आपसे भारतीय ओलंपिक संघ छापना, पीटी ऊषा एकदम करेक्ट आंसर हो गया है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है निर्विरोध चुनी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल पूछूं आपसे, अरे याद करो महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन है, महान्यायवादी है अभी कौन, आर वेंकटरमणी छापना, आर वेंकटरमणी जो है वो भारत सरकार के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, आपको ध्यान रखना है। किसके प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति आपको जाना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। आगे देखिएगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो लिखना, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष है, ये भी आपको जाना। पहला अध्यक्ष पूछूं आपसे ब्योमेश चंद्र बनर्जी छापेगा, ब्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान कौन है ये छापना, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो वर्तमान अध्यक्ष है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अरे सेकंड सीडीएस कौन है, पुलिस आपके सेकंड सीडीएस है अनिल चौहान कौन है, अनिल चौहान छापेगा, ये सेकंड सीडीएस है, पहले कौन थे जनरल बिपिन रावत पहले थे, सेकंड कौन है अनिल चौहान जो है सेकंड है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष पूछू आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसको कंट्रोल करता है, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है या फिर शेयर जो मार्केट है इसे कंट्रोल करता है, और कौन वर्तमान अध्यक्ष की स्थापना, अरे सेबी पूछू आपसे, सेबी की पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन है वो ध्यान रखिएगा, बताओ सेबी की पहली महिला अध्यक्ष सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली जो महिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, एक हाथ बताओ ऐसा, माधवीपुरी बुच लिखिएगा, माधवीपुरी बुच जो है ये इनका नाम है ना, माधवीपुरी बुच जो है एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा अगला है डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछू आपसे, डीआरडीओ पूछे आपसे अध्यक्ष पूछू आपसे आपके कौन वर्तमान में है, समीर कामत छापना, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, समीर कामत आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन, जगदीप धनखड़ कौन है, जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। अगर पूछे कहां जन्म हुआ इनका, झुंझुनू राजस्थान में जन्म हुआ था। अगर पूछो किसको हराकर बने, मार्गरेट आलवा जो है इनको हराकर बने हैं, कहां के दोस्तों गवर्नर रह चुके हैं लिखना, पश्चिम बंगाल के रह चुके हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति पूछो आपसे, राष्ट्रपति कौन लिखना आपके, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति है। अगर पूछे जन्म कहां हुआ है, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है, कहां के राज्यपाल रह चुकी है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, किसको हराया दोस्तों छापना आपके, यशवंत सिन्हा को हराया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे आपसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन लिखना आपके, राजीव कुमार कौन है, राजीव कुमार है। अगर पूछे पहले कौन लिखना आपके, पहले थे सुकुमार सेन कौन थे, सुकुमार सेन पहले थे, वर्तमान पूछो राजीव कुमार है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा यूपीएससी के नए अध्यक्ष पूछे छापना आपके, डॉक्टर मनोज सोनी कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी छापना के यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है। अगर पूछो मनोज पांडे कौन है लिखना, मनोज पांडे पूछे आप लिखना, तो भारतीय जो सेना है इसके अध्यक्ष कौन है, सेना के हेड वर्तमान कौन है, मनोज पांडे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी पूछे डॉक्टर मनोज सोनी छापेगा, इसके नए अध्यक्ष है। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन लिखना आपके, सोमनाथ कौन है, सोमनाथ जो है इसरो के 10वें अध्यक्ष है। पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई कौन थे, विक्रम साराभाई थे। अगर पूछो आपसे स्थापना कब होती है आपके, 15 अगस्त 1969 जो है इसकी स्थापना होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखिएगा विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन छापना आपके, अरे ऋतुराज अवस्थी लिखेगा, ऋतुराज अवस्थी है वो विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हो गए। अगर पूछूं आपसे विधि आयोग छापना आपके, अरे गुलाम भारत में पूछूं आपसे, गुलाम जो भारत था उसमें कब दोस्तों आपके मेघालय के अध्यक्ष, मेघालय जो है वो पहले अध्यक्ष थे आपके विधि आयोग के थे। आजाद भारत में पूछे आपसे, आजाद भारत में छापना पहले अध्यक्ष कौन थे, एमसीसी तलवार जो है वो पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी हो गए। अगर पूछो आपसे जब ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन हमारे राज कर रहा था उस समय कौन मेघालय थे, आजाद भारत पूछे आपसे, सीतलवार जो है 1955 छापना आपके, आजाद भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, एमसीसी तलवार है। नाबार्ड के अध्यक्ष पूछो आपसे आपके, अरे लिखना दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, केवी साजी कौन दोस्तों, केवी साजी जो है ये छापना नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और पूछू आपसे समिति कौन सी है, सिब्रमण समिति छापना, ये समिति था ना आपके, सिब्रमण समिति हो गई है, 12 जुलाई 1982 को स्थापना है। और केवी साजी जो है, अगर पूछे आपके विधि आयोग वर्तमान में कौन से नंबर का है, 22वें नंबर का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, देखिए रुचिरा कंबोज कौन है, रुचिरा कंबोज जो है ये वर्तमान छापना स्थायी प्रतिनिधि है। अगर पूछो यूएन महासभा जो है, इस यूएन महासभा के जो वर्तमान 77वां सत्र है इसके अध्यक्ष कौन है छापना, शोभा कुरैशी कौन है, शोभा कुरैशी जो है ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है। कहां के रहने वाले, हंगरी के रहने वाले, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिएगा असम के राज्यपाल पूछो कौन लिखना आपके, अभी हाल ही में 13 नए राज्यपाल बनाए गए थे, असम पूछो छापना आपके, गुलाब चंद कटारिया जो है, गुलाब चंद कटारिया छापना, ये असम के राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आंध्र प्रदेश, ये क्यों पूछा मैंने दोस्तों आपसे, क्योंकि मैंने याद करो सो ये आपके एक जज न्यायाधीश थे जिन्हें क्या बनाया गया, जिन्हें रसगुल्ला आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया, अब्दुल नसीर छापना, अब्दुल नसीर जो है वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आज विश्व बैंक का लीडरशिप कौन कर रहा छापना, अजय बंगा जी कौन है, अजय बंगा जी छापेगा, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान हेड हो गए। अगर पूछो आपसे लिखना आपके, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर है, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय हो गया, अजय बंगा इसका हेड है, ये आपको छाप के रखना है। ठीक है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन है, देखिए दोस्तों यूट्यूब के, अगर पूछे आपसे नील मोहन छापना, नील मोहन जो है ये यूट्यूब के वर्तमान सीईओ है, ये भी आपको छाप के रखना। ठीक है, यूट्यूब पूछू आपसे नए सीईओ कौन है, नील मोहन छापेगा, वर्तमान नए सीईओ गए। लेखा महानिदेशक पूछे आपसे सीजीए कौन वर्तमान छापना आपके, देखिए दोस्तों आपसे पूछे सीजीए कौन है, देखो इसका किसी आर्टिकल में कोई जिक्र नहीं किया गया है, आपके सीएजी जो है इसका जिक्र किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में सीएजी जो है इनका उल्लेख किया गया। अगर पूछे आपसे कि लेखा महानियंत्रक कौन है, तो भारती दास के स्थान में छापना, भारती दास जो है इनके स्थान में पूछे आपसे, भारती दास जो है इनके
स्थान पर है। अरे भारतीदास इससे पहले थे, है ना, इससे पहले थी, अब है एस एस दुबे। छापेगा वर्तमान कौन है, एस एस दुबे छापना आपके, भारत के वर्तमान सीजीए। ठीक है, आगे चलेगा नीति आयोग के नए सीईओ पूछूं आपसे, बीबीआर छापना सुब्रमण्यम जो है, बीबीआर सुब्रमण्यम जो है वो नए सीईओ बन चुके हैं। अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन है, सुमन वैरी छापना, सुमन वैरी इसके उपाध्यक्ष है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सुमन वैरी उपाध्यक्ष हो गए और बीबीआर सुब्रमण्यम जो है ये इसके सीईओ है, ये आपको थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे। लर्निंग अ स्किल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आज नहीं तो कल एआई आके आपकी कोई भी स्किल को रिप्लेस करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सात फेरों की सीरीज लिखिएगा, सात फेरों की सीरीज जो है 5 अप्रैल, ध्यान रखना इस चीज को, 5 अप्रैल शाम को 8 बजे तैयार रहेगा सात फेरों की सीरीज। लगातार काम कर रहा हूं कंटेंट के ऊपर जो है, वन ऑफ द बेस्ट क्लास आपकी होने वाली है, यकीन मानिएगा। आप सोचिए दोस्तों, जब मैं आपके सामने इतनी सारी क्लास ला सकता हूं और जो मेरी सबसे फेवरेट क्लास है सात फेरों वाली सीरीज, वो आपके बीच में आने वाली है। 3 करोड़ से अधिक स्टूडेंट देख चुके हैं सीरीज को, वादा करता हूं कि जो 0.3 आने वाला है दोस्तों, आपके 3.0 जो आने वाला है सात फेरों की सीरीज का, पहला चैप्टर 5 अप्रैल को शाम को 8 बजे, ये आपको मजबूर कर देगा सातों क्लास लेने के लिए। ये आपसे मेरा वादा रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, तैयार रहिएगा। अरे किसी शख्स की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, मैंने वही फोटो लगवाई है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। ठीक है, तैयार रहिएगा, सात फेरों की सीरीज शाम को 8 बजे 5 अप्रैल को आपके बीच में होने वाली है। ऊपर लिंक है, एक बार लाइक कर देना लिंक पर जाकर के, और कमर कस के बैठ जाना। ठीक है, पेटी सीट बेल्ट बांध लेना, मौसम बिगड़ने वाला 7 तारीख को, 5 तारीख को 8 बजे जो है वो मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन दोस्तों आपसे, ये पिछले माह की मैगजीन है, ये वर्तमान मैगजीन जो आज आपको मार्केट में उपलब्ध होने वाली है, ये 1 मार्च से 31 मार्च कंटेंट के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ऑस्कर अवार्ड हो गया, या फिर दोस्तों आपके चैंपियनशिप है, या फिर आपके दोस्तों जो महिला प्रीमियर लीग है, वो सब इसके अंदर जो है दिया गया। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है, जो 2022 करंट है वो इसके अंदर आपको उपलब्ध है। आइएगा, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में 20वें में कौन सा देश है आपके, राजस्थान।